छत्तीसगढ़ में हुई धर्मसभा चर्चा का विषय बनी हुई है। धर्मसभा के कारण सियासी माहौल गर्माया हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर शहर में भी विरोध की चिंगारी भड़कती दिखाई दे रही है। शहर के नासिर खान नामक व्यक्ति ने इस मुद्दे को लेकर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र में भीड़ हिंसा विरोधक अधिनियम लगाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह मुस्लिम समुदाय के विरोध में कहा गया वो बेहद ही निंदनीय है, ये संविधान की निंदा है। उन्होंने बताया कि इस विरोध में हमने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। यूपी में हरिद्वार में जैसा धर्म संसद की एक सभा हुई, उस धर्म संसद की सभा के अंदर में ये खुला बोला गया, उस हेड स्पीच में सभी संतों ने जो शोभा एक कड़ी जो निंदनीय है कि मुसलमानों का नरसंहार करना ये तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बोले, ये एक बहुत बड़ा एक निंदनीय स्पीच है जो संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ऐसा हेड स्पीच से। और सबसे अहम चीज़ ये है उसके अंदर में कि स्टूडेंट लोगों को बोल रहे हैं खुद संत लोग कि अपने कॉपी पेन किताबें एक तरफ रखिए और सीधा हाथों के अंदर में हाथों पर तलवार लीजिए और पकड़ के ऊपर में मुसलमान समुदाय का नरसंहार कीजिए। इस तरीके से संत लोग धर्म संसद की सभा में बोल रहे हैं। इसलिए हमारा एक विशेष काम था कि इसके अंदर में सीपी साहब को हम लोगों ने एक निवेदन दिया लिखित रूप से। उसके अंदर में हम लोगों ने यह दर्शाया है कि जैसा पश्चिम बंगाल के अंदर में TMC व द्वारा जो असेंबली के अंदर में सबकी सहमति से जो बिल पास हुआ है मॉब लिंचिंग के ऊपर में, और उसी को देखते हुए अपना झारखंड की असेंबली में भी वो स्टेट के अंदर में भी मॉब लिंचिंग के ऊपर में निरोधक कानून पास हुआ है। और हम चाहते हैं हमारी जागृति बौद्ध से जन समिति के माध्यम से कि इसके ऊपर में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर में संज्ञान ले और इसके ऊपर में भीड़ हिंसा मॉब लिंचिंग निरोधक कानून बने और सख्ती से उसके अंदर में पॉइंट के अंदर में अमल हो और उसके अंदर में कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो और कड़ी से कड़े उसके अंदर में सिक्योरिटी के तौर के ऊपर में जुर्माने का प्रावधान हो। हमारे देश के अंदर में जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसके ऊपर में शासन प्रशासन से हमारी ये अपील है, जिस तरीके से हम CP साहब के पास में भी आज हमने जो निवेदन दिया है इसके ऊपर में सर ने कहा है कि हम इस पर गौरव फिक्र करेंगे, लेकिन मामला ये है कि आज महाराष्ट्र के अंदर में सारा समाज सुरक्षित है, लेकिन जब बाहर चिंगारी लगती है तो उसका धुआं जो है सभी तरफ फैलता है। शासन से और हमारी ये जो न्यूज़ चैनल वाले सर हैं उनसे यही अपील है कि जिस तरीके से कि आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जो भाईचारा है और मॉब लिंचिंग जो बाहर में हो रही है वो महाराष्ट्र के अंदर में ना हो, जिस तरीके से कि आज हमारा महाराष्ट्र बहुत सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी समाज हम साथ में मिलकर उठते हैं बैठते हैं, तमाम मामलात होते हैं, लेकिन जैसे कि यूपी के अंदर में जो खुलेआम एक संस्था के द्वारा ये मुहिम चलाया गया है कि खुलेआम हम काटेंगे, मुंबई के अंदर में जो हमारे एक हिंदू धर्म के भाई को मारा गया है और तुम्हारे जिस तरीके से जगह जगह में ये मामला सुनने में भी आता है देखने में भी आता है, तो शासन से हमारी ये अपील है कि जिस तरीके से कि इसके ऊपर में एक कानून बनाया जाए और कड़ी से कड़ी इसकी निंदा किया जाए और जो भी शख्स इसके अंदर में कोई भी समाज का कोई भी धार्मिक का हो उसके ऊपर में कार्रवाई किया जाए।